हेलो स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम टू टी एस एन स्कूल क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर थर्टीन काइनेटिक थ्योरी जिसमें हमने पार्ट वन और पार्ट टू में हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ आवरो हाइपोसिस चार्ल्स लॉ का आपका क्या फॉर्मूला निकला था पी वन वी वन टू पी टू वी टू और आपका बॉयल्स लॉ में आपका निकला था पी वन वी वन इजिकल्स टू पी टू वी टू चार्ज नॉ में टी वी वन अपॉन टी वन इजिकल्स टू वी टू अपॉन टी टू ओके फिर हम धनी जब इन दोनों फॉर्मूलों को क्या किया था कंपेयर किया था तो आपका क्या आया था पी वन वी वन अपॉन टी वन इजिकल्स टू पी टू वी टू अपॉन टी टू चार्ज नॉ और वॉइस लॉ को जब कंबाइन किया था फिर आप इसके रिलेटेड हमने नुमारिकल्स किए थे फिर हमने किया था आवोगाड्रो हाइपोथिस जो आपका क्या रिलेशन निकल गया था वी इज़ प्रोपोर्शनल टू एन आ, फिर आपका इस कांस्टेंट को साइन को हटाने के लिए हमने क्या किया था पी वी इजिकल्स टू एन आर टी जहाँ पी वी इजिकल्स टू एन आर टी जो आपके चार्ल्स लो वॉइज लो एन एवोगाड्रो पी वी इज प्रोपोर्शनल टू एन इन तीनों को जब हमने मिक्स किया तो आपका वी इज प्रोपोर्शनल टू क्या आया था एंटी अपॉन पी फिर हमने इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट लिया था आर वेयर आर इज अ गैस कॉन्स्टेंट ओके जहाँ आर का वैल्यू आपका क्या था एट पॉइंट थ्री वन फोर ओके वहाँ से आपकी पी वी इजिकल्स टू क्या निकल गई थी एन आर टी और पी वी इजिकल्स टू एन आर डी आपकी क्या है आपका आइडियल गैस के लिए आपकी इक्वेशंस है इससे रिलेटेड हमने नमारिकल किए थे ओके okay, स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे आज पार्ट नंबर थ्री जिसमें आपका क्या है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो काइनेटिक थ्योरी है वो आपकी गैसेस पे ही की गई है जो मैटर मैटर में जो गैस है वो आपके मैटर और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मैटर और मॉलिक्यूल्स में थे इसलिए हमने जो गैस की थ्यो काइनेटिक थ्योरी जी है वो आपकी गैसेस में ही हुई है इस ये जो आपकी गैस थ्योरी ऑफ जो गैसेस है वो हंड्रेड परसेंट आपके है किसके लिए एक आइडियल गैस के लिए तो इसमें जो कुछ पॉशुलट्स दिए गए हैं पॉशुलिट्स हैं या जिनको हमने एजम्शंस किया है तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं देखिए इसमें पॉइंट्स आपका वन पॉइंट्स क्या है मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सेम गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल जो सेम गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं आर आइडेंटिकल इन अ ऑल रेस्पेक्ट जैसे मास शेप और साइज में क्या आपके सेम हैं ओके okay. अब आपका सेकंड नंबर पॉइंट क्या है सेकंड नंबर पॉइंट है आपका मॉलिक्यूल्स आर कॉन्सटेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्सटेंटली रैंडम मोशन पे हैं जो मोशन होता है वो आपका सॉलिड्स पे नहीं हो सॉलिड्स में इतनी इजी फास्ट नहीं होता ना ही आपका लिक्विड में गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है वो रैंडमली होते हैं इसीलिए ये थ्योरी हमारी किस पे ली गई है कैनेडिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे ही है क्योंकि इसमें जो मोशन होता है वो रैंडमली होता है जो मॉलिक्यूलर हैं वो क्या होते हैं एक इतने लाइट या इतने वो होते हैं एक दूसरे से इस तरीके से कोलाइट करते हैं कि वो उनका जो अलाउंग होता है मोशन मोशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन आ जाता है क्योंकि ये जो उनके पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही लाइट वेट के होते हैं इसलिए वो सीधे निकल जाते हैं तो मॉलिकुलर्स आर कॉन्स्टेंटली इन और रैंडमली मोशन होता है रैंडमली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अब देखिए हमने कोई पार्टिकल लिया या कोई मॉलिक्यूल लिया जिसका विलोसिटी आपका क्या है व्यू है तो इसके जो ये डायरेक्शंस uh, होंगे थ्री डायरेक्शंस होंगे वो एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है वाई में भी और जेड में भी तो उसके थ्री कंपोनेंट्स होंगे यू एक्स यू वाई एंड यू जेड तो आपका जो विलोसिटी इजिकल्स टू क्या निकलेगी यू एक्स आए प्लस यू वाई आए, आए जे प्लस यू जेड के ओके स्टूडेंट्स अब यू जो x का है वो i में और जो y है वो z में और जो z है वो k में तो यहाँ से u और ये क्या है जो मोशन होगा वो प्रॉब्लिटी क्या होगी इनकी सेम ही होगी जितना वो x में जाएगा उतना ही y में उतना ही z में जित और जहाँ जाए तो यानी कि यू एक्स में इक्वल्स टू यू वाई इजिकल्स टू यू जेड यानी कि तीनों में क्या आ जाएगा इक्वल प्रॉब्लिटी क्या है सेम ही होगी जितनी यू एक्स की उतनी यू वाई की उतनी ही यू जेड की अब इसका हम अगर मीन निकालते हैं मॉड निकालते हैं तो यू मॉट इजिकल्स टू यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर प्लस यू जेड का स्क्वायर ओके okay? का अगर स्क्वायर करते हैं तो यहां से रूट आपका हट जाता है यू एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर और यू एक्सिकल्स टू यू वाईक तीनों ही वैल्यूज के आपकी इक्वल हैं तो इसको हम थ्री यू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं तो यहां से विलोसिटी यानी कि u का स्क्वायर इजिकल्स टू क्या निकला आपका थ्री यू एक्स का स्क्वायर ओके अब देखिए जो थर्ड आइजेमशन है वो आपका क्या है थर्ड आइजेंशन ऑल द कोलीजेंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अमंग दैमसेल्स विद वॉल ऑफ कंटेनर इन इज लास्टिक इन नेचर यानी कि जितने भी सारे जो कोलीजेंस हैं गैस मॉलिक्यूल्स के अमंग दैमसेल्स विद अ वॉल ऑफ कंटेनर एक वॉल में समझिए इस रूम में समझिए कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक रूम में आपके क्या हैं पैक्ड हैं इन जो इनकी जो एक दूसरे से जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर आपस में टकराते हैं तो उनका मोमेंटम क्या होगा चेंज होगा जो उनका मोमेंटम चेंज होगा उनमें कोई भी लॉस नहीं होगा बिकॉज ऑफ उनका जो नेचर है इलास्टिक इन नेचर ओके तो उनमें मोमेंटम में या काइनेटिक एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होगा फिर आपका फोर्थ पॉइंट है द प्रेशर ऑफ अ गैस इज़ ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वॉल ऑफ कंटेनर जो जैसे किसी कंटेनर में मॉलिक्यूल्स गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके किसी कंटेनर में हैं तो आपके जो गैस जो मॉलिक्यूल्स हैं कंटेनर में जो पैक हैं वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे कोलाइड करके क्या करेंगे कंटेनर से हिट होंगे यानी कि कंटेनर की वॉल से आपके वो हिट होगा हिट होगा तो उसमें क्या होगा मोमेंटम चेंज होगा फिर वो वापस दूसरी डायरेक्शन लेके वो चेंज होगा माइनस में यानी कि मोमेंटम पहले प्लस में हुई हुआ फिर वापस आएगा तो माइनस में एम भी इजिकल्स प्लस में एम भी वापस जाएगा तो माइनस के एम मोमेंटम क्या होगा आपका चेंज होगा मोमेंटम चेंज होगा तो उसमें फ़ोर्स आएगी और फोर्स जहाँ होगी वहाँ क्या होगा प्रेशर होगा ओके फोर्स पर यूनिट एरिया अब तो ये जो प्रेशर बना आपका प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कॉलीजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया प्रेशर क्या आएगा नंबर ऑफ कॉलीजेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल्स के जो नंबर ऑफ कॉलीजेंस हैं वो पर यूनिट एरिया का क्या होगा प्रिपोर्शनल होगा ओके okay? आप देखिए आपका फिफ्थ नंबर जो पॉइंट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस डिपेंड ओनली एंड डिपेंड अपॉन टेम्परेचर जो काइनेटिक एनर्जी है गैस की वो सिर्फ किस पे डिपेंड है आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड है ना ही आपकी प्रेशर पे है ना ही वॉल्यूम पे है ना ही आपके नेचर इन गैस पे डिपेंड करती है ओनली फॉर डिपेंड किस पे आपकी टेम्परेचर पे है और टेम्परेचर भी आपका कैसा होना चाहिए एप्सोल्यूट और एप्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है जो कि आपका कैलविन में हो ओके अब देखिए इसका सिक्स नंबर पॉइंट क्या है आपका द वॉल्यूम एक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज नैगजल नेबल वैन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस जो वॉल्यूम है गैस का मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल्स uh, हैं जो वो वॉल्यूम एक्ुपाइड कर रहे हैं कितना ले रहे हैं इज नेगलेबल वैन कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस अब देखिए मतलब कोई गैस है कमरे में आपकी फैला दी या किसी हमने बॉक्स लिया किसी कंटेनर में हमने इसको क्या कर दिया र, डाल दिया तो जो मॉलिक्यू गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे कंटेनर में क्या हो फैल गया फैल गए या पूरे कमरे में अलग अलग होके क्या हो गए दूर दूर होके फैल गए तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम गैस फिर हमने सारी गैस को कलेक्ट करके एक कॉर्नर में इसको रख दिया इस तरीके से मैं दूसरा फिगर देखिए बनाया हुआ है सारे मॉलिक्यूल्स को लेके एक कॉर्नर में हमने शिफ्ट कर दिया तो ये आपका क्या कहलाता है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स और जो कि आपका वॉल्यूम ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपका ना के बराबर यानी कि ज़ीरो है इस नेग्लिजिबल जो कि नहीं है यानी कि जीरो के इक्वल है ओके ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये आपका रियल गैस पे बेस्ड नहीं है इसमें एक सिक्स पॉइंट और एक सेवन पॉइंट है वो आपका रियल गैस पे डिपेंड नहीं करता है देखिए हमने ऊपर लिख भी रखा है रियल गैस सिक्स और जो सेवन पॉइंट है जो रियल गैस पे नहीं है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ जो गैस हैं इसमें कहीं ना कहीं तो क्या होगा फोर्स तो होगी लेकिन इसमें बताया गया है कि जो ये क्या है नेग्ज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस ओके वॉल्यूम ऑफ जो ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है नेग्जली नेगलिजिबल ओके फिर आपका सेवेंथ पॉइंट है देयर इज़ नो इंटर मोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमोंग मॉलिक्यूल्स जो आ, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में एक दूसरे से जब अट्रै क्या हो रहे हैं टकरा रहे हैं तो यानी कि उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है देयर इज़ नो इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स जो सारे इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई भी इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है ओके okay, यानी कि सिक्स और जो सेवन वाला पॉइंट है वो आपका रियल गैस पे बेस्ड नहीं है यानी कि कहीं कही ना कहीं जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में टकराएंगे तो फोर्स तो होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेकिन रियल गैस के लिए ये पॉइंट आपका वैलिड नहीं है ओके okay, अब देखिए आपका जो सिक्स नंबर पॉइंट एट नंबर पॉइंट है ग्रेविटी इज नेगलेक्टेड इसमें ग्रेविटी क्या होती है बिल्कुल ना के बराबर जैसे कि आपके कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं किसी कंटेनर में या वो इतने लाइट वेट के होते हैं इतने हल्के होते हैं कि वो एकदम से सीधे निकल जाते हैं स्ट्रेट इसीलिए इसका जो जो होता है मोशन होता है वो क्या होता है स्ट्रेट होता है लेकिन अगर कोई हैवी पार्टिकल होता है अगर इसको मोशन में देते हैं तो उसको ग्रेविटी क्या करती है अपनी ओर खींचती है और वो दूसरा प्रोजेक्टाइल में या किसी दूसरे पाथ में वो नीचे आ जाता है लेकिन जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो इतने लाइट वेट के होते हैं या नेगलेटिक नेगलेक्टेड होते हैं इतने ही हल्के होते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में निकल जाते हैं आगे इसीलिए इनका जो पाथ होता है स्ट्रेट लाइन ओके स्टूडेंट्स ये आपके एट पॉचुलेट्स थे और ये सारे है अजम्पन है जिसको हमने माना अजम्पन किया ओके अब देखिए आपकी आती है काइनेटिक गैस इक्वेशन जो कि आपकी क्या निकल के आती है पी वी इजिकल्स टू वन अपॉइन थ्री एम एन यू आर एम एस का स्क्वायर इस इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे ये इक्वेशन कैसे आई लेकिन पहले इसका हमने क्या लिख दिया है फॉर्मुला लिख दिया है पी वी इजिकल्स टू वन अपॉइन थ्री एम एन यू स्क्वायर आर एम एस का वैल्यू वेयर पी इजिकल्स टू आपका क्या है प्रेशर वी इजिकल्स टू वॉल्यूम एम इजिकल्स टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस एंड इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉल्यूल्स एंड यू आर एम एस इक्वल्स टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वेलोसिटीज़ हैं उनके स्क्वायर्स उनका मीन ही क्या कहलाता है आपका यू आर एम एस यू आर एम एस की वैल्यू देखिए हमने लिख रखी है यू वन का स्क्वायर प्लस यू टू का स्क्वायर प्लस यू थ्री का स्क्वायर प्लस यू एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन यानी कि मीन जितने भी आपके वेलोसिटी के पार्टिकल्स हैं उनका स्क्वायर फिर उनका मीन और फिर उनका रूट ये देखिए गैस के कुछ पार्टिकल्स हैं जिसकी वेलोसिटी यू वन यू टू एंड यू एन है जिसका यू आर एम एस निकालेंगे तो यू वन का स्क्वायर प्लस यू टू का स्क्वायर प्लस यू थ्री का स्क्वायर प्लस यू एन का स्क्वायर अपॉन एन ओके तो आपका इस कॉनेटिक गैस इक्वेश्स टू वन अपॉन थ्री एम यू आर एम एस का स्क्वायर पी प्रेशर वी वॉल्यूम एम मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड यू आर एम एस के आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉल्यूल्स ओके स्टूडेंट्स फिर आपका आता है एक आ, ये वाला फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मोल्स ऑफ गैस एक फॉर्मूला आपका ये भी निकल के आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मोल्स एन मोल्स ऑफ गैस जहाँ आपका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा एन इंटू थ्री बाई टू आर टी एन इंटू थ्री बाई टू आर टी वेयर एन इजिकल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आर इजिकल्स टू यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट जहाँ आर का वैल्यू क्या होता है थ्री पॉइंट सॉरी एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल पर मोल कैलवेन और टी क्या आपका टेम्परेचर और कैसा टेम्परेचर है एप्सोल्यूट टेम्परेचर जो कि आपका कैल्वेन में होगा ओके okay? तो एनर्जी ऑफ एन मोल्स ऑफ गैस एन इन टू थ्री अपॉन्ट टू आर टी इस फॉर्मूले को भी हम निकालेंगे ड्राइव करेंगे ओके अब देखिए जो कैनिटिक गैस इक्वेस है पी वी इजिकल्स टू वन अपॉन्ट थ्री एम एन यू आर यू आर एम एस का स्क्वायर इसको हम ड्राइव करेंगे और ये किस तरीके से फॉर्मुला निकल के आता है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में ड्राइव करेंगे ओके स्टूडेंट्स इस पार्ट को हम यहीं फिनिश करते हैं ओके